टीके आर्ट्स एंड क्रिएशन में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कटवर्क का डिजाइन कैसे बनाते हैं, हम कटवर्क के लिए नीचे कटवर्क जो नीचे हम कटवर्क करते हैं उसको हम कैसे बनाते हैं और फिर उसको कैसे ट्रेस करते हैं, ये मैं आपको आज बताऊंगी। ये मेरी रिक्वेस्टेड वीडियो है और उसको हम कैसे छापते हैं ये हम सारा बताएंगे। वैसे मैंने ट्रेस की जो वीडियो दो डाली हुई है, आप आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक हम व्हाइट पेपर ले लेंगे और उसके ऊपर हम यहाँ स्केल से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पहले यहाँ पर हम एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लेंगे। जो है ये मैं आपको ये बोतल के जो ढक्कन होते हैं, ये बड़ा छोटा और ये सेंटर वाला, इस तरह के जो ढक्कन होते हैं मैं उससे आपको ट्रेस जो कटवर्क के जो नीचे कटवर्क डालते हैं वो बनाना बताऊंगी। अगर तो आपको बहुत छोटे वाले कट डालने हैं नीचे, ऐसे छोटे 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 डालने हैं, तो हम कोई भी हम ढक्कन ले लेंगे। ये मैंने कोका कोला बोतल का ढक्कन लिया है, हम इसको ले लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसके आधे में स्केच पेन वगैरह या आपके पास कोई भी मार्का वगैरह हो, इसके आधे में हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इस ढक्कन को हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह, इस लाइन के ऊपर ऐसे रखेंगे और इसके आसपास हम यहाँ पर यहाँ नीचे से लाइन लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह, और इसके बाद यहाँ पर फिर उसी तरह आधा रख के हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। इस तरह हम ये छोटे साइज के जो कटवर्क है वो बना लेंगे। अगर आपको इससे छोटा कटवर्क चाहिए तो आप इससे छोटा ढक्कन ले सकते हैं, आप इसी तरह नीचे यहाँ पर कटवर्क बना सकते हैं इस तरह। अगर आपको अच्छे से ड्रॉ नहीं करना आता हाथ से तो आप इसी तरह भी बना सकते हैं। इस तरह ही अगर आपको इससे बड़े ढक्कन का बनाना है तो यहाँ पर एक लाइन हम डालेंगे और इसको थोड़ा दूर डालेंगे ऐसे, उसी तरह लाइन डालेंगे और हमारा ये जो बड़े वाला ढक्कन है इसके भी हम हाफ में ऐसे निशान लगा लेंगे इस तरह। जिस तरह ये छोटे का बनाया है हम उसी तरह यहाँ पर रख के यहाँ पर हम थोड़े से बड़े कटवर्क बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये ढक्कन है इसको भी यहाँ पर हम हाफ में ऐसे लाइन डालेंगे पर रख के आधा, जैसे हमने ये किया है इसी तरह हम ये कर लेंगे। इस तरह हम कटवर्क का डिजाइन बना लेंगे। उसके बाद यह एक ट्रेस पेपर होता है, ये हम बटर पेपर भी बोलते हैं, ये आपको मार्केट में बड़े आराम से मिल जाएगा। हम इसको इस तरह, इसको बटर पेपर को इस तरह रखेंगे यहाँ पर, और ये जो हमने ट्रेस बनाया है नीचे, जो हमने नीचे पेपर ड्रॉ किया है इसके ऊपर हम यहाँ पर रख के ऐसे
इसके बाद हम इसको पिनअप करेंगे और उसके बाद हम ट्रेस हम छापेंगे। मैं आपको छाप कर भी बताऊंगी। ये सिंपल नीडल से भी आप पिनअप कर सकते हैं। इस तरह इसको हम सीधा रखेंगे और यहाँ पर देखो इसको हम हाथ से ऐसे पिनअप करेंगे। इसमें हम पिनअप करने के लिए जो है वो नीडल जो है बारीक वाली लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह हमारी कटवर्क की जो है ट्रेस बन जाती है। अगर आप चाहें तो इसमें यहाँ पर हम फ्लावर भी बना सकते हैं। ये देखिए फ्लावर में भी इस तरह हम पिनअप कर लेंगे। इस तरह आप सारे इसमें फ्लावर बना के हम आप कटवर्क का डिजाइन बना सकते हैं। ट्रेस बनाने के लिए हम जो कपड़ा बिछाएंगे वो देखो हमारा थोड़ा सा मोटा ही होना चाहिए तभी हमारी ट्रेस सही बनेगी। इसके लिए मैंने ये नील ले लिया है। जो कपड़े धोने वाला नील होता है उसको ले लीजिए और उसके साथ ये इसमें मैंने केरोसिन ऑयल डाला है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर इसमें मिट्टी का तेल डाल लेंगे थोड़ा सा। नीचे घेरे से हम 2.5 इंच छोड़ेंगे और साइड से भी हम 2 इंच छोड़ेंगे। हम यहां से पहले सीधी लाइन लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हम यहां से ऐसे सीधी लाइन लगा लेंगे एक कपड़े के ऊपर और यहां पर भी हम 2 इंच छोड़ देंगे। ये देखिए यहां से हम 2 इंच छोड़कर नापेंगे। हम 2 इंच छोड़कर हम यहां से 2 इंच छोड़ के हम छापेंगे। जब हम सूट छापेंगे तो हम यहां पर देखिए यहां पर एक लाइन सीधी यहां पर लगा लेंगे। इस तरह यहां पर आधा 1/4 इंच छोड़ के हम यहां पर निशान लगाएंगे। यहां पर इधर भी 1/4 इंच छोड़ देंगे और हम इस साइड में भी हम 1/4 इंच यहां पर छोड़ देंगे। ये दोनों हम इसलिए छोड़ेंगे यहाँ हमने कॉर्नर बनाना है, शर्ट का कॉर्नर बनाना है इसलिए यहाँ छोड़ देंगे और इस ट्रेस को हम इस लाइन के ऊपर रखेंगे यहाँ पर ऐसे। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर जहाँ हमने निशान लगाया है वहां से लेकर और पूरा सीधा हम लाइन के ऊपर रख देंगे इसको और कॉटन को हम ये देखिए हमने जो नील डाला हुआ है उसमें केरोसिन ऑयल में जो हमने नील डाला हुआ है उसमें हम कॉटन को भिगोएंगे ऐसे अच्छे से और उसके बाद फिर हम छपाई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इसके ऊपर ये पूरा हमारा लाइन पे आ जाएगा, पूरी लाइन के ऊपर आएगा और इसको हम ऐसे ट्रेस कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये छप गया है और इधर से भी हम इसी तरह छापेंगे। जो हमारा ये दूसरा कॉर्नर है उसको भी यहाँ हम 1 इंच छोड़ के छापेंगे इस तरह और ये भी हमारा पूरा सीधा लाइन के ऊपर आना चाहिए ऐसे। यहां पर भी हम ऐसे छाप देंगे 1 इंच हम यहां से छोड़ के छापेंगे। तो यहां पर हम पेंसिल से कॉर्नर बना सकते हैं। यहां पर जो हम अपने शर्ट का कॉर्नर इस तरह बनाएंगे इस तरह गोल करके थोड़ा सा और फिर यहां पर कॉर्नर ऐसे नोक सी बना देंगे इसकी। यहां पर भी इसी तरह थोड़ी गोलाई करके और हम इसको ऐसे डिजाइन बॉर्डर की डिजाइन हमने छापा है उसका कॉर्नर हम ऐसे हाथ से बना लेंगे। इसी तरह हम दूसरे कॉर्नर पे भी इसी तरह बनाएंगे। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।